हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। यहाँ पर हीरो आईएसएल लीग का मैच हो रहा है, केरला ब्लास्टर्स वर्सेस मुंबई सिटी एफसी के बीच 2 घंटे 42 मिनट के बाद। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे। बात करें अगर हम इस मैच की, तो केरला ब्लास्टर्स और मुंबई सिटी एफसी में दोनों टीम्स अवेल है, लेकिन कई लोग बोलेंगे कि आप सिंगल साइड फेवर करो। अरे भाई, थोड़ा दिमाग लड़ाओ कि लास्ट में जितने मैचेस हुए हैं वो केरला ब्लास्टर जीती है मुंबई सिटी से हर मैच, और आप कह रहे हो कि मुंबई सिटी को फेवर करो। भाई कैसे कर लूँ? ये जो मैंने कैप्टन भी रखा है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मैं सही बोलूँ तो मैं तो प्रॉपर इनके तरफ की टीम बना रहा, लेकिन मेरी कुछ टाइम से प्रेडिक्शन उल्टी सीधी निकल रही है। मैं जिस टीम को फेवर करता हूँ उल्टी जीत जाती है, और ये छोटी लीग्स में मुझे पसंद नहीं है। इंडियन सुपर लीग हो गई, ऑस्ट्रेलियन लीग हो गई, ये मेरे को लीग्स नहीं। सबसे बढ़िया लीग है प्रीमियर लीग, और या फिर बड़ी लीग्स में अगर मैं बात करूँ तो यूरोप लीग एंड यूएएफए चैंपियंस लीग, वो बहुत अच्छी लीग्स है। लेकिन अगर आप बात करें इस लीग की, इसमें कोई भी जीत सकता है। तो अगर मैं सबसे पहले स्ट्राइकिंग से शुरू करूँगा, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको पता है कि अभी जो करंट सिचुएशन के हिसाब से जो मेरे को मुंबई सिटी का बढ़िया प्लेयर लगता है वो है जी स्टीफन। हालांकि मुंबई सिटी बहुत स्ट्रांग टीम है, बट हर बार इनसे पॉइंट टेबल में नीचे रहती है। भले ही कभी एक बार ऊपर होती है, एक बार नीचे होती है। तो इसलिए आप ये मत समझना, अगर मुंबई सिटी एक गोल करेगी तो वो भी एक गोल करेंगे, ये दो गोल करेंगे तो मुंबई सिटी तीन गोल करेगी। मतलब एक नैले पे दैला चलेगा यहाँ पर। और स्टीफर्ट को यहाँ पर हम लेंगे जो कि कंसिस्टेंसी में परफॉर्म कर रहा है। 9 अक्टूबर से गोल की शुरुआत हो गई थी, उसके बाद ओडिशा एफसी के खिलाफ भी इस बंदे ने एक असिस्ट किया था, साथ ही साथ जमशेदपुर के खिलाफ भी एक असिस्ट किया था, और 3 बार गोल की ट्राई की थी। बट पॉइंट्स इतने अच्छे दे गया था कि गोल नहीं भी किया तो कोई निराश नहीं था, है ना। आगे से बात नेक्स्ट प्लेयर की, यहाँ पर है नेक्स्ट प्लेयर जो कि आपके सामने है। तो एक्चुअली इस प्लेयर को लेने का रीज़न ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली चल नहीं रहा। 7 अक्टूबर को भी 90 मिनट पूरा खिलाया, मोहन बगान के खिलाफ पूरा खिलाया, और ओडिशा के खिलाफ भी इसको 90 मिनट पूरा खिलाया। और लोग बोलते हैं कि ये प्लेयर को मौका नहीं मिल रहा। भाई और कितना मौका दे, कॉन्टीन्यूसली उसको 3 मैचेस में मौका दिया है, 180 मिनट वो खेला है मिला के तीनों मैचेस में, इससे ज़्यादा ही खेला होगा, 94 मिनट का तो मैच होता है। तो आप देखा जाए तो यार फिर भी नहीं चल रहा, तो इसमें मैं टीम की गलती कैसे बोल दूँ। इतनी बढ़िया इनकी डिफेंडिंग है, इतनी बढ़िया इनकी मिडफील्डिंग है, लेकिन स्ट्राइकिंग अगर ऐसी होगी तो फिर टीम कहाँ से जीतेगी। अब तो इनको ही करना है जो भी होगा, लेट्स सी। एंड आगे से अगर बात करें जहाओ की, देन यहाँ पर है अहमद जहाओ। अहमद जहाओ जो कि बिना गोल करे भी बहुत अच्छे पॉइंट दे जाता है, इसलिए मेरा असल रीज़न है इसको लेना। आपको पता है फर्स्ट मैच में भी इसने असिस्ट किया था ओडिशा के खिलाफ, इसने बिना गोल बिना असिस्ट के 39 पॉइंट दिए थे, और उसके बाद जमशेदपुर के खिलाफ इसने दिए थे 28 पॉइंट, वो भी 66 मिनट में बिना गोल के। एंड निकोलस लीमा की बात करें, यहाँ पर है निकोलस लूना। निकोलस लूना को बहुत लोग लेते हैं, एड्रियन बहुत लोगों की पसंद है प्लेयर। एक्चुअली मैं भी हर बार लेता हूँ, बट कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं रखता क्योंकि इतना भी कुछ खास नहीं है। एंड बिपिन सिंह की बात करें, बिपिन सिंह ओडिशा के खिलाफ जब गोल करके गया था उसके बाद से और इसकी अहमियत बढ़ गई। लास्ट मैच में भी गोल का ट्राई किया था, क्योंकि बिपिन सिंह को हम लोग छोड़ नहीं सकते। आपको पता है मैंने नेगोरा रिप्पल छोड़ा है, मेरे को पता है मैं कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, किसके ऊपर? सिर्फ मैं छेंगटे के ऊपर, क्योंकि छेंगटे ने जो लास्ट मैच में किया वो मेरे लिए नया नहीं था। 22 अक्टूबर को जो इसने गोल किया था, लोग कह रहे थे गोल कर गया वैसे चलता नहीं। भाई आपकी गलत फहमी है, आप जाकर पहले ना रिकॉर्ड देखो मुंबई सिटी के इस प्लेयर के, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो गोल कैसे करता है। इसके लिए गोल करना कोई बड़ी बात नहीं है, चुटकी का खेल है, ये बहुत बड़ा प्लेयर है, ये स्ट्राइकर है। पहले तो बता दूँ, जो लोग समझते हैं कि ये मिडफील्डर है वो अपने दिमाग से निकाल दो, ये स्ट्राइकिंग करता है तो गोल तो आएगा ही। एंड आगे से अगर बात करें, यहाँ पर है वन अनदर प्लेयर इवान कैल्यूजिनी, जो कि ईस्ट बंगाल के खिलाफ 2 गोल करके गया था एज अ सब्स्टिट्यूशन। तो उसके बाद इसको प्लेइंग 11 में भेजा, प्लेइंग 11 में इसने कर दिया 1 गोल, और लास्ट मैच में चलो फ्लॉप हो गया। लेकिन आपको बता दूँ, इस प्लेयर को इस सीज़न तक ड्रॉप मत करना किसी भी मैच में। अब आप बोलोगे क्यों, ये स्ट्राइकर है, ठीक है। तो आपको पता है कि इनकी स्ट्राइकिंग है कमज़ोर केरला ब्लास्टर्स की, तो इन्होंने इसको मौका दिया, ये इनको फैल गया प्लेयर, बहुत बढ़िया। तो मैं तो इसको साथ जाने वाला हूँ क्योंकि बहुत बढ़िया खेला लास्ट मैच। और आगे से अगर बात करें खाबरा की, एचएस खाबरा की भी असिस्ट बहुत अच्छी है, लास्ट मैच में तो चलो गोल ही कर गया, बाकी असिस्ट मेरे को बहुत अच्छी लगती है इस प्लेयर की, जब भी करता है असिस्ट पे बहुत ध्यान देता हूँ मैं। ग्रिफिट की बात करें, ग्रिफिट को लेंगे क्योंकि एम्फॉल का खेलना तय नहीं है, एम्फॉल खेलता तो मैं लेता। एंड भेके की बात करें, राहुल भेके लास्ट सीज़न थे मेरा कुछ बढ़िया प्लेयर रहा है, सो मैं ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ जाऊंगा जो बहुत ज़्यादा रेयर नहीं है, क्योंकि खबरा भी ऑलमोस्ट सबकी टीम में होगा, ग्रिफिट भी होगा, भेके भी होगा। तो मैंने कुछ नया नहीं किया एक्चुअली, बस मैंने इतना किया मैं सिंगल साइड नहीं गया, मेरी टीम डबल साइड है, मैं केरला ब्लास्टर के साथ भी हूँ और मुंबई सिटी। एंड आगे से बात करें पी सिंह की, प्रभसुखन सिंह के साथ जा रहा हूँ,
इसकी जगह पर आप ले सकते हैं मैक्स पियर लचैम्पा को अगर लेना चाहें, बट मैं इसके साथ ही खुश हूँ। तो बात करें कैप्टन की, कैप्टन है जी स्टिफर्ड और वाइस कैप्टन कई लोग लूना को रखेंगे, बट मैं कहूँगा अगर लूना को रखना है तो उससे बढ़िया इसको रखो, मेरा जो कॉम्बिनेशन है। क्योंकि अगर आप लूना पे भरोसा कर रहे हो सामने वाली टीम के प्लेयर पे, तो क्यों ना रिस्क लिया जाए, तो रिस्क भी बहुत अच्छा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।